बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह की ओर से रेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें निशान सिंह द्वारा 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलने वाले हाउस रेंट को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। निशान सिंह ने कहा कि 1 जनवरी 2016 को 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था, लेकिन कर्मचारियों को इसके अंतर्गत मिलने वाला हाउस रेंट अभी तक सरकार ने नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि हाउस रेंट न मिलने के चलते कर्मचारियों को हर माह 5000 का नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर कर्मचारी कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। देखिए, 1-1-2016 को 7वां पे कमीशन लागू हुआ था, और दुर्भाग्य की बात है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने अब तक एचआरए के इशू को लेकर के हाउस रेंट अलाउंस जो है उसको लेकर के कर्मचारियों को कोई अपडेट नहीं दी, जबकि केंद्र सरकार ने जो लागू किया है उसमें ये एक कड़ी जो थी वो हरियाणा की सरकार जो बहुत ही अपने आप को कर्मचारियों को चहेती कहती है। हाउस रेंट अलाउंस अगर जोड़ करके देखें तो मिनिमम 5000 रुपये एवरेज पर मंथ कर्मचारी या अधिकारी के लिए ये उसको लॉस हो रहा है, और लगातार 3 वर्षों से वो लोग अपनी एजिटेशन करते हैं, मांग करते हैं, उनकी मांग को सुना नहीं गया, और ये उनको जो लॉस हो रहा है अब दूसरे चुनाव बिल्कुल सिर पे हैं ये मान के चलें, और बड़ी बड़ी जुमलेबाजी और बहुत बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, लेकिन आज तक वो लोग एजिटेटेड हैं, उसके बावजूद भी उनकी बात नहीं सुनी। इस बात को लेकर के आज आपसे शेयर करना था कि सरकार जागे और उन कर्मचारियों को, अधिकारियों को जिनकी संख्या लगभग 3 लाख के करीब है हरियाणा के अंदर, जिन जो ये वंचित हैं एचआरए से, हाउस रेंट अलाउंस से, जो अभी तक नहीं दिया गया उनको देने का काम करे। ये सरकार की जिम्मेवारी बढ़ती है कि अपने कर्मचारियों के प्रति ये उदासीन रवैया सरकार का जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ने अभी 2 दिन पहले ही श्रम योगी योजना शुरू की है जी, जिसमें जो मजदूर लोग हैं उनको लाभ मिलेगा, तो लगता है आपको चुनावी लोलियों दे रहे हैं? जो पिछला सरकार का ये मान के चले कि 5 साल का कार्यकाल मैं कहूँगा, उसके दौरान जितनी भी बातें कही गई थी वो जुमलेबाजी अगर साबित हुई है, तो आज जो योजनाएं ये शुरू कर रहे हैं कि 6000 रुपये किसान के खाते में हम डालेंगे, किसान को देंगे, पहले तो किसान को अपमानित करते हैं कि 17 रुपये पर डे दे करके, और फिर वो 6000 की बजाय 2000 उसके खाते में डालते हैं, तो पता है कितने चुनाव हो जाएगा और सभी लोग ये बोल जाएंगे। ऐसे ही श्रम योजना है, उसमें भी ये जिस तरीके से इन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपये प्रति जो ना अकाउंट, 15 लाख रुपये हर खाते में आएंगे, ये वैसे ही जुमला साबित हो गया।